सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों ने डेरा डाल लिया है और गोकुल बैराज को फ्री फ्लो जोन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। हथनी कुंड से छोड़ा गया 8,28,000 क्यूसेक पानी से यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे यमुना किनारे रहने वाले लोगों में तबाही मची हुई है और वो पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे राहत शिविरों की मदद लें। इस संदर्भ में उपजिला अधिकारी महावन हनुमान प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया। सर, आज बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया आपने, कोस्ट बॉर्डर तक भी आई, कैसी रही? क्या रहा? मैंने निरीक्षण किया है, जो साथ भी मेरे साथ हैं, तल्लाल साहब हैं, पूरी टीम मेरी है। एक नगर लाख कोस का जो हमारी बाढ़ चौकी बनी है, वहाँ पर प्राथमिक तौर पर सारी सुविधाएं कर ली गई है। यद्यप अभी आवश्यकता नहीं है, फिर भी नाव यहाँ के लिए मैंने व्यवस्था कर लिया है। अभी जस्ट पहुँचने वाली है, उसको स्टैंड बाई रखेंगे, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसका इंतजाम कर लेंगे। शेष अभी ये देखा आपने कि ये आगरा का यहाँ पर बॉर्डर है, नदी के उस पार आगरा, इस पार यहाँ यहाँ परंपरागत तरीके से नाव से लोग इधर से उधर जाते रहे हैं। एक नाव यहाँ पर है अभी भी, फिर भी यहाँ कहा गया है यहाँ आवश्यकता पड़ सकती है, अगर पड़ेगी तो मैं यहाँ भी बंदोबस्त कर दूँगा। शेष अभी तक कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। अगर कोई पानी ज़्यादा बढ़ता है, वो स्थिति आती है कि लोगों को विस्थापित करने की, तो हम करेंगे। इस तरह से सर, अभी तक आपने भ्रमण किए हैं, देखा भी, भाई लोगों से बातचीत की, कुछ समस्याएं भी रखी लोगों ने बताया? कुछ नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं। अभी तक तो प्रधान जी ने बताया कि कोई संभावना नहीं कि विस्थापित करने की, इसके पहले विस्थापित कभी करना भी नहीं पड़ा है, तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति आया नहीं। सर, इस समय क्या स्थिति है यमुना की? इस समय जो चल रहा था, क्या माना जा रहा है? अभी देखिए, हमारे गोकुल बैराज पर 59,000 क्यूसेक रिचार्ज पास हो रहा है और लेवल इस समय 163.65 है। अब इसका भी लगातार बढ़ते रहने की संभावना है, कल इसका पीक डिस्चार्ज आएगा, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि 1,00,000 से 1.5 लाख के बीच रहने की संभावना है। इसके बाद में जल स्तर गिरने लगेगा और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 165 से 166 के बीच में यहाँ का जल स्तर हो सकता है। कल के बाद भी जल स्तर में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ओखला से अब पानी का स्तर काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए यहाँ कल ही। तो इस समय सर जो स्थिति चल रही है, वो क्या मानिए, मतलब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमारे यहाँ 59,000 की दिशा चल रहा है, जिसको आगे बढ़ करके 1,00,000 से 1.5 लाख के बीच होने की संभावना कल तक। और ऐसी स्थिति में हम जल स्तर की बात करते हैं, तो जल स्तर तो 165 से 166 के बीच रहने की स्थिति में, जो विश्राम घाट प्रयाग घाट पर जो वार्निंग लेवल है वो 165.20 का है और 166 पर डेंजर लेवल है, तो 166 डेंजर लेवल वहाँ का पार हो सकता है। तो कुल मिला ये माना जाए, मतलब इससे ऊपर ज़्यादा स्थिति आने की संभावना कम है? नहीं, फिलहाल में जैसे यहाँ पर 1,52,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज रह चुका पहले भी, उतनी स्थिति की हम लोग संभावना नहीं करते, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जो लक्ष्य चुना था, समझ आने लगा है। जो भविष्य बुना था, नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।